नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। रेलवे ग्रुप डी के छात्रों के लिए नया नोटिस जारी हो चुका है। जितने भी हमारे रेलवे ग्रुप डी के छात्र फाइनल आंसर की का वेट कर रहे थे, रिजल्ट का वेट कर रहे थे, आप सभी के लिए अभी RRB भर्ती बोर्ड ने सबसे बड़ी अपडेट जारी कर दी है। आज की वीडियो ग्रुप डी के छात्रों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, तो अंत तक बने रहे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले। दोस्तों, 35 नंबरों पर भी रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा। अभी RRB भर्ती बोर्ड ने आप सभी के मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स किस प्रकार से दिए जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे पूरा रेलवे ग्रुप डी का नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तैयार कर दिया। आपको बता दें, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाएं कई शिफ्टों में होने के कारण इस बार नॉर्मलाइजेशन का एक और नया फॉर्मूला आ चुका है और इसकी काफी बड़ी नोटिस रेलवे भर्ती बोर्ड ने काफी बड़ी नोटिस जो है जारी करके नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यहाँ पे समझाया है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जिन भी छात्रों के यहाँ पे 35+ भी बनने होंगे उनका भी अब सिलेक्शन हो पाएगा और यहाँ पे 50+ वालों का भी सिलेक्शन होगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आप सभी लोगों का लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट की माने तो रिजल्ट के साथ साथ फाइनल सर की अब जारी होने जा रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने काफी तेजी से अब फोर्थ गियर में अपनी गाड़ी जो है लगा दी है। आपको बता दें, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 10 लाख वैकेंसियां जारी होनी। मोदी सरकार ने 10 लाख रोजगार देने का वादा कर दिया है, जिसमें 2 लाख नई वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की आपकी इस भर्ती के बाद जारी होंगी। और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस भर्ती का जो रिजल्ट और इसके साथ ही साथ फाइनल आंसर की अब 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में जो है जारी कर दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 28 अक्टूबर को आपका फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा, जबकि आप सभी का 31 अक्टूबर को ऑफिशियल जो रिजल्ट है वो भी दोस्तों जारी हो जाएगा। काफी बड़ी खबर रेलवे ग्रुप डी के साथ। तो दोस्तों, काफी बड़ी अपडेट आ रही है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार 31 अक्टूबर तक की अब आप सभी का रिजल्ट ऑफिशियल साइट पर जारी हो जाएगा। जितने भी हमारे छात्र रिजल्ट का वेट करते उनका वेट खत्म होता हुआ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें, हमारे जितने भी छात्र फिजिकल की डेट का वेट करते, आपको बता दें मेल और फीमेल छात्रों का जो फिजिकल होगा अब ये 5 दिसंबर से लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5 दिसंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है। और जितने भी कैंडिडेटों के अगर जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आपके 65 से लेकर 75 के बीच में अंक आ रहे हैं तो दोस्तों इस बार आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। वहीं अगर हम OBC कैंडिडेटों की बात कर लें तो यहाँ पे 60 से लेकर अगर 65 के बीच में अगर आपके अंक आ रहे हैं तो दोस्तों आप लोग भी तैयारी करें। और SC कैंडिडेटों की बात कर लें तो यहाँ पे 55 से लेकर 60 के बीच में, ST कैंडिडेटों की बात कर लें तो यहाँ पे आपका 50+ तक अगर आपका स्कोर बनना है तो आप लोग जरूर मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट दोनों आप लोग फिजिकल की तैयारी कर लें, क्योंकि इस बार जो फिजिकल होने वाला काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। मेल कैंडिडेटों की बात कर लें तो इस बार जो है आपको लोगों को 35 किलोग्राम वजन उठाना होगा और 100 मीटर की दूरी जो है कंप्लीट करनी होगी, 2 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे 4 मिनट 15 सेकंड में 100 मीटर की जो आपकी दौड़ होगी दोस्तों, इसको पूरी करनी होगी। ये है जो है मेल जो छात्र हैं हमारे, पुरुष छात्र हैं, इनको पूरी करनी होगी, जबकि फीमेल वालों का थोड़ा सा ईजी रखा गया है फिजिकल। आपको बता दें 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर की जो दौड़ होगी 2 मिनट में कवर करनी होगी। और साथ ही साथ 5 मिनट 40 सेकंड में 1000 मीटर की जो दौड़ होगी वो 200 कंप्लीट करनी होगी। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का जो फिजिकल होने वाला है वो 200 काफ़ी ज़्यादा एक टफ पॉइंट होने वाला है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार इस बार रिटर्न एग्जाम में जो है करीबन 8 से लेकर 10 लाख छात्र क्वालिफाई हो सकते हैं। और एक आपके लिए और अच्छी अपडेट आ रही है कि इस बार लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार LTI तैयार की गई थी, जिसमें बताया जा रहा है कि 50 से लेकर 60% अटेंडेंस रही है इस बार रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में, जिसके चलते इस बार अच्छे खासे जो है कट ऑफ मार्क्स आपके जो है कम होने वाले हैं। और ये काफ़ी बड़ी अपडेट है। और यहाँ पे ग्रुप डी के छात्रों के लिए रिजल्ट का और आंसर की का वेट खत्म होता हुआ आपका जो रिजल्ट के साथ आंसर की है अब 31 अक्टूबर के पहले ऑफिसर